नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटिंग वर्क मेंटेन करते वक्त टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो या आप किसी इंस्टीट्यूट से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम टैली सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर का यूज़ किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को अगर एंड तक आप देख लेते हो तो काफ़ी कुछ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है और जो काम आप घंटों का होता है उसको हम कुछ सेकंडों के अंदर ही निपटा लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का पूरा एंड तक देखना, तभी आप प्रॉपर सही बात और प्रॉपर तरीके को समझ पाओगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर का जो यूज होता है वो किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए, घटाव करने के लिए, भाग करने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए यूज करते हैं, और उसकी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होता है कंट्रोल एन। यानी कि जैसे हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ से कैलकुलेटर है जो ऑन हो जाता है। अब जैसे कि हमने कोई भी संख्या यहाँ पे ऐड करनी है, 2+5 किया तो इक्वल किया तो 7 आ जाएगा। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह, जैसा कि हम रूटीन के अंदर कैलकुलेटर मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर का कैलकुलेटर यूज करते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाती है जबकि हम कोई परचेज वाउचर की जब एंट्री हम करते हैं, जैसा कि हम एक परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं और ये परचेज वाउचर हमारे पास में है। तो दोस्तों, अमूमन होता क्या है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट की एंट्री करते हैं तो हमारे पास कई बार कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के इनवॉइस हमारे सामने आ जाते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो अमाउंट होती है वो विद टैक्स होती है। लेकिन हम टैली सॉफ्टवेयर में जब परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं तो हमें ऊपर यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू डालनी होती है और टैक्स हम बाद में नीचे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारे पास इनवॉइस ही इसी टाइप का कि उसके अंदर नेट अमाउंट है, यानी कि इसके अंदर जीएसटी है जो इंक्लूड होता है, तो हमें बारी बारी कैलकुलेटर का यूज़ करके फिर उसके हम टैक्सेबल वैल्यू बनाते हैं और उस वैल्यू को हम यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर टाइप करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की इस ट्रिक जो आपको मैं बताने वाला हूँ, इससे क्या होगा, काफ़ी आज तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो आसान हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगी, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक यहाँ पर प्रोडक्ट हमने लिया, मान लीजिए हमने माउस विद वायर एक ले लिया। अब क्वांटिटी मान लीजिए जैसे कि हमने 1 कर दी और रेट मान लीजिए ये जैसा आ गया कि 1260 रुपये। आप देख सकते हो ये 1260 रुपये है और इसके अंदर जो जीएसटी लगा हुआ है वो 18% का लगा हुआ है। अब वैसे तो क्या होता है, पर प्राइस का रेट यहाँ पर आपको मिल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ हमारे पास जो मेन यूनिट होती है वो अलग होती है और जो अल्टरनेट यूनिट होती है वो कुछ अलग होती है, तो जिसकी वजह से हमें टैक्सेबल रेट उस प्रोडक्ट का निकालना पड़ता है। तो अमूमन दोस्तों वैसे क्या करते हैं, जैसे कि हम ये 1260 रुपये है और इस 1260 रुपये का हमें 18% की टैक्सेबल वैल्यू है जो बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं कैलकुलेटर पे हम जाते हैं, कंट्रोल एन हम प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद में जैसे हमने यूज़ किया भी 1260 × 100/118, तो यानी कि इस तरीके से हम ये टैक्सेबल वैल्यू है जो यहाँ पर निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यानी कि 1067 रुपये और 80 पैसे, तो ये हमें यहाँ पर आके फिर टाइप करना पड़ता है, यानी कि 1067.80। तो ये हम वैल्यू टाइप करेंगे, उसके बाद हम CGST, SGST या फिर कोई नेक्स्ट स्टॉक आइटम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमें करना क्या होगा, कंट्रोल एन करने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको करना क्या होगा, वापस हम इसको हटा देते हैं, वापस परचेज वाउचर को सिलेक्ट किया, वाउचर नंबर वगैरह हमने डाल दिया, कोई भी एक प्रोडक्ट हमने यहाँ पर ले लिया और उसके बाद इसे क्वांटिटी डाली। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा, जहाँ पर आपका अमाउंट के ऊपर जब कर्सर होगा तो यहाँ से आपको प्रेस करना है Alt+C। तो जैसे Alt+C प्रेस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर नीचे जो कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा, तो Alt+C हमने प्रेस कर लिया। और उसके बाद भी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेट अमाउंट है, जैसा कि 1260 रुपये नेट अमाउंट है और यहाँ पर हम क्या करेंगे 1260 × 100/118, जैसे ही हम इसको इतना लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो जो टैक्सेबल वैल्यू है वो ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि आपको वहाँ से देख के हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपकी डबल मेहनत है जो वो लगनी बंद हो जाएगी। जैसे ही आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपको यहाँ पर भी दिखेगा और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू जितनी डलनी चाहिए थी वो यहाँ पर भी आपकी ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, जिसकी वजह से कि आपका काफ़ी सारा जो टाइम है वो बच सकता है। और उसके बाद रूटीन के अंदर आप हमेशा की तरह हम इसके अंदर जो हमारा CGST SGST टैक्स है वो हम चार्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इसके हम कैलकुलेटर के अंदर हमें अगर कोई कैश की पोजीशन देखनी हो, हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, तो हम क्या करेंगे,
कंट्रोल एन हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर इक्वल का निशान दबा के और आपको टाइप कर देना होगा केस। जैसे हम केस पर इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे बुक्स के अंदर जो आज टाइम का जो क्लोजिंग बैलेंस चल रहा होता है वो आपको यहाँ पर शो भी कर देगा। बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर केस फ्रॉम 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मई 2022 तक आपके पास बुक्स में ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। और अगर हम इसी को बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर भी हमारे पास ये जो कैश इन हैंड आप देख सकते हो, ये कैश इन हैंड 6,99,882 रुपये और 67 पैसे और ये हमारे पास यहाँ पर इसने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेटर में भी दिखा दिया। हालांकि इस ऑप्शन का कोई ज़्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे जो शॉर्टकट यानी कि हिडन कमांड्स होती है जो हमें पता होनी जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।